मैं दो तीन मोलीज भी छोड़ूंगा, तो आप कलर बताना कौन सा पसंद है, मैं व्लॉग बनाऊंगा उसमें आप दिख मतलब बता देना कि कौन से वाली मोली पसंद है वो डालेंगे आप। जैसे कि ये कमेंट्स जो आपने पूछे हैं कि भाई फिश पॉन्ड कहाँ गया, फिश पॉन्ड कब बनेगा, कौन सी फिश डाल रहे हो, तो इन सब का एक जवाब है भाई। एक ऊपर से अब टेरेस पे आ गया, मैं टेरेस से एक मनी प्लांट ले लेते हैं, एक ब्रांच ही ले लेंगे बस, जो थोड़ी सी ठीक हो। जैसे कि ये कमेंट्स जो आपने पूछे हैं कि भाई फिश पॉन्ड कहाँ गया, फिश पॉन्ड कब बनेगा, कौन सी फिश डाल रहे हो, तो इन सब का एक जवाब है भाई। मैं जब आपने मेरी वीडियो देखी थी, मैंने ये आई बटन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है, इधर नहीं इधर, गलती से आ गया था इधर, तो उसके अंदर ना मैंने फिश पॉन्ड बनाया था, उसके अंदर थोर मैंने स्विमिंग भी करी थी। तो सबसे पहले तो भाई उसके अंदर ना कहीं कट लग गया, जैसे थोर के नाखून बहुत ज्यादा टाइट थे ना, तो इस वजह से कट लग गया उसमें कहीं ना कहीं, और उसमें से पानी लीक होने लग गया। चलो वो भी कोई बात नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मैं और मेरे दोस्त लक्की इसको बड़ा करने लगे। फिर मैंने ओवरऑल बात सोची कि भाई मैं जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता, वैसे भी मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, हिसार नहीं रहता, तो अभी लॉकडाउन की वजह से मैं घर आया हुआ था, तो घर वालों ने के ऊपर भाई मेरे फादर मदर दोनों जॉब में है, तो मैं इतना ज्यादा प्रेशर दे नहीं सकता था उनके ऊपर, उन वो मना नहीं करते, बट बात ये थी उसको मेंटेन करना फिश पॉन्ड को। और पीछे गार्डनिंग, मेरे पापा को गार्डनिंग का ज्यादा शौक है, तो वो एरिया भी ज्यादा कवर हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उस प्लान को एक बार पीछे रख दिया। और दूसरा एक और मेन पॉइंट ये था कि एक महीने के बाद से, जैसे अब से, तो यार ठंड शुरू होने वाली है, और इस रीजन में, हिसार में, जैसे हमारे रीजन में, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है और ठंड बहुत ही ज्यादा होती है, दोनों चीजें एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो वैसे भी बाहर तो हम फिश रख नहीं सकते थे फिश पॉन्ड में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता पानी, और फिर उसके अंदर हीटर लगाने का कोई तुक बनता नहीं था, तो वो अंदर लेके आनी पड़ती है एक्वेरियम के अंदर। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि भाई चलो मैंने कह दिया था, बट एक और कोशिश कर लेते हैं पॉन्ड बनाने की। एक मैंने फिश ये गमला होता है ना, पॉट लिया, और मैं सोचा कि मैं इसके अंदर एक फिश पॉन्ड बनाता हूँ, मेरी बालकनी में रखूंगा, मेरे फ्लोर पे, तो आप आगे देख लो। तो मैं ऊपर ले आया हूँ, ये जगह पे प्लेस करा, देखो एक वोरा प्लांट, एक ये रहा, ये वाटर प्लांट हो गया यहाँ पे। इसमें मैं दो तीन मोलीज भी छोड़ूंगा, तो आप कलर बताना कौन सा पसंद है, मैं व्लॉग बनाऊंगा उसमें आप दिख मतलब बता देना कि कौन से वाली मोली पसंद है वो डालेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया इसका, मतलब प्रॉपर साइज है, ज़्यादा मतलब कि इसमें ना प्रेशर ज़्यादा ओवर स्टॉक नहीं करेंगे, सिर्फ दो या तीन मोलीज डालेंगे, और अभी पानी भरना है। मैं ये वाली मोटर है जो ये इस स्विच में लगाऊंगा, ताकि ना मैं ना इसमें यहाँ पाइप वगैरह नहीं लगा रहा, मैं ये इसलिए डाल लूँगा कि इसके अंदर ना जो वाटर का फ्लो है ना वो चलता रहे, ताकि मतलब खड़े पानी में ना यार जैसे मच्छर वगैरह भी पैदा हो जाते हैं, तो इसमें इसलिए डाल रहा हूँ कि वाटर का फ्लो चलता रहे, ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो, आप जो फिशेज होंगी उनके लिए भी अच्छा हो, तो एक नेचुरल हैबिटेट बनाऊँगा मैं इसमें, मेरी कोशिश यही है। और ये अपना कमल का फ्लावर है, ये अब फूल आएगा, ये प्लांट अपना कमल का है, लोटस का प्लांट है ये, तो ये भी एक अच्छी बात है, अपने नेशनल जो फ्लावर है उसका प्लांट है ये, तो जब ये फ्लावर आए हैं तो भी बहुत कहते हैं बहुत सुंदर होता है, तो चलो देखेंगे। और ये चिकनी मिट्टी बोलते जिसे वो है, ये पानी ये गंदा हो जाएगा, ठीक हो, दिक्कत नहीं, जब जो सेडिमेंटेशन होगी ना, जो मिट्टी वगैरह या डस्ट के पार्टिकल्स है वो इसके नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर साफ क्लियर वाटर शो हो जाएगा। तो मैं ये लगाता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। थोड़ी शक्ल और ये बाल बुलों का ना, शक्ल तो अच्छी है, बाल जो है ना इनको थोड़ा इग्नोर करना, बिल्कुल सुंदर जगह टाइम है, बस मेरा तो मूड ऐसे ही होता है, जब मन में आ गया ना तो करनी है तो उसी टाइम करनी है, तो बस अभी सो के उठाई था, ब्रश वगैरह करा था, बस उसके बाद दिख गया मेरे को ये गमला। इसमें पहले वाइट सीमेंट लगाई थी, हर गमले के अंदर ना जो प्लांट का पॉट होता है उसके नीचे ना होल्स होते हैं, उस जिसमें एक्सेस वाटर होता है वो नीचे से निकलते हैं,
तो ये इसमें वाइट सीमेंट लगा के ये दो दिन पहले हमने बिल्कुल सेट कर दिया था, इसमें लीकेज नहीं होगी और होनी तो तब तक हो जाती दिख रहे। तो मैं ये लगाता हूँ, ये स्विच बिल्कुल सही जगह पे लगवाया है। तो ये स्विच प्लग लगा दिए इसने और देखना प्रेशर देखिए मोटर का, छोटा सा फाउंटेन तो यहीं बन गया। कितना सुंदर लग रहा है। अभी पानी साफ हो जाएगा ना फिर से होगा, इससे ही होगा, ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा रहेगी तो सही रहेगा, पानी सर्कुलेट भी होता रहेगा। अरे रुको रुको रुको, अभी इतना आसान थोड़ी है भाई कि जो बन गया। अभी एक और चीज होगी है, लो आगे देखो क्या हो गया। अभी आपने पीछे वीडियो में देखा था कि मैंने ऐसे ऐसे करके डाल दी थी मिट्टी वगैरह और प्लांट भी लगा दिया था, पर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कई दिन हो गए थे, भूल गया था कि कैसे करना है। मतलब पता तो है कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, बट जल्दबाजी में मैंने एक बहुत बड़ी बात भूल जाना कि जो मैंने जो मिट्टी डाली थी वो ऐसे खुली डाल दी थी और ऊपर से मैंने मोटर लगा रखी थी, तो जैसे मिट्टी है और वो मोटर पानी खींचेगी और ऊपर से वापस डालेगी तो ऑब्वियसली बात है वो सेटल डाउन होने ही नहीं देगी उस मिट्टी को, सॉइल को, तो फिर पानी हमेशा ही मैला रहेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक आइडिया ढूंढा कि ये रहा वो प्लांट, मैंने ये डब्बा लिया, इसके अंदर वो ही मिट्टी डाली, इसके अंदर ये इसके जो रूट्स वगैरह थी एक दो रह गई बाहर, बट और मैंने सारी ज़्यादातर डाल दी है। अब इसको मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पे, इसको मैं प्लेस कर दूंगा डायरेक्ट ऐसे, इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है ना वो बाहर नहीं निकलेगी पानी में और पानी बिल्कुल साफ रहेगा, इससे ये चीज़ होगी, ये इसका ये फ़ायदा है। तो जो पहले मेला मेला हो रहा था वो नहीं होगा, अब मनी प्लांट भी लगाऊंगा, ये रही वो मोटर, मोटर लगाते हैं और फिर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। एक ऊपर से अब टेरेस पे आ गया मैं, टेरेस से मनी प्लांट ले लेते हैं, एक ब्रांच ही लेनी है बस, कौन सी लें जो थोड़ी सी ठीक हो, यहाँ से कट करके ले लेता हूँ, ये यहाँ से वापस उग जाएगी प्लांट में पौधे में, और ये वाली ले ली और ये यहाँ से आगे उग जाएगी। ये देखो टेरेस के इनकी कटिंग करी है अभी, ये सेट होंगे धीरे धीरे, तो ये रही वो मनी प्लांट, ये मनी प्लांट ले लिया, ये आगे पानी में सेट हो जाएगा, चल चलते हैं नीचे। ये लो मोटर भी सेट कर दिया, ये ऐसे एक मतलब कि फाउंटेन की तरह निकलेगा पानी इसमें से, तो सही है वो। ये ऊपर स्विच लगा दिया, बिल्कुल स्विच इसके ऊपर ही है। आप लोग अगर कहो तो मैं इसमें लाइट भी लगा दूं, बहुत सुंदर लगेगा रात को, तो चलो लाइट भी लगा ही देते हैं। तो लाइट यार ये बड़ी ज़्यादा है, लंबी ज़्यादा है तो ये आएगी नहीं फिट, तो मैंने इसलिए थोड़ी ऐसे टेढ़ी करके रख देता हूँ रात को, मतलब अंडर वाटर लाइट है ये रहा पंप, ये कनेक्ट कर दिया सारा कुछ, सुंदर लगेगा यार धीरे, एकदम से सेट नहीं होगा, धीरे धीरे सेट होगा, थोड़ा सा मैस लग रहा है पर एक दो दिनों में सेट होगा ना फिर अच्छा लगेगा ये। तो इसमें करते हैं पानी, वाटर भरते हैं। फाइनली ये सारा प्रोसेस अब कंप्लीट हुआ है, मैंने ये वाली मोटर हटा दिया, ये बहुत बड़ी मोटर थी तो मैंने छोटे वाली मोटर लगाई है, और ये एयर इनटेक है तो यहाँ से एयर इनटेक होता जाएगा, और ये फ्लो कम कर दिया मैंने, बिल्कुल थोड़ा कर दिया सारा, मतलब ये यहाँ से जाके यूँ जाएगा फ्लो, फिशेस को अच्छा भी लगता है और फ्लो अच्छी है पानी के अंदर। ये लाइट होगी रात को बहुत सही लगेगा, आप सेटल डाउन होना दो इनको तो ये बहुत सुंदर लगेगा फिर। तो बताओ कैसा लगा ये पॉट, सारी चीजें, फिश पॉन्ड ही मानो, ये भी छोटा सा पॉन्ड ही हुआ, जरूरी नहीं है कोई फिश डालने, मौली फिश डाल सकती थी इसमें, बट एक और ब्लंडर हो गया। शुरू में मैंने दिखाया होगा जब ये फिश पॉट था जो स्टार्टिंग में साफ कर रहे थे, तो उसके अंदर व्हाइट कलर के पैचेस थे अंदर की साइड, तो वो ना व्हाइट सीमेंट से मैंने बंद करे हुए थे, वो होल्स थे उसके अंदर कि पानी लीक ना हो, ठीक है। मैंने दो तीन दिन उसे रखा और उसके बाद अब देखा जब भरने के बाद कंप्लीट होने के बाद तो उसमें से पानी लीक हो रहा है, तो भाई ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि उसको वापस निकाला और मेरे को वो वापस दिखे ही नहीं, मैंने सारा साफ निकाल दिया था उसको पानी को, वापस उसमें व्हाइट सीमेंट लगाई बट वो मतलब मेरे को लीकेज मिल नहीं रही कहाँ पे है, तो फिर इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया। तो अब मैंने सोचा कि भाई अगर करना है तो या तो एक्वेरियम ही लाएंगे या कुछ और लाएंगे, वो आप सजेशंस कमेंट्स में कर देना।
तो बताना कैसा लगा है। आप देखो वीडियो मैंने इसलिए डाली है कि कई लोगों ने पूछा था कि भाई कहाँ गए क्या हुआ क्या, तो इसलिए मैंने वीडियो डाल दी। और मैंने कोशिश करी थी भाई कि मैं इसमें एक पोर्ट बनाऊं जो आपने वीडियो देख लिया, तो मेरी कोशिश के लिए एक लाइक जरूर दे देना वीडियो को, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना और क्या हो सकता है। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।